भैया, जब रिप्लाई किस्तों में आने लग जाए तो समझ जाइए आपका बाबू कहीं और से लोन ले बैठा है। भैया, नहाते समय अगर कोई फिल्मी गाना गा रहा है तो समझो वो गर्म पानी से नहा रहा है, और अगर वो कोई भजन गा रहा है तो समझो ठंडे पानी से नहा रहा है। हाँ। गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। इंसान की एक ही है, वो भी जिद्दी। ठंड बढ़ रही है इसलिए जीवन में आग लगाने वाले रिश्तेदार और पड़ोसी ही काम आएंगे, उनसे संबंध बनाए रखे। हाँ। अरे तेरा ध्यान किधर है, भुट्टे के पकौड़े वाला इधर है। भुट्टे के पकौड़े बॉयफ्रेंड तो टम्पू के पीछे लटक के मिलने जाता है और वो रिंगटोन लगा रही है। ऐसा कैसा चलेगा दीदी। मुंह से निकली बात, कमान से निकला तीर, और मोहब्बत में कराए गए रिचार्ज के पैसे कभी वापस नहीं आते बाबू मोशन। जानी, पहले मैं बहुत गरीब था, फिर मेरे मित्रों ने कहा कि तू IPL में सट्टा लगा। आज मेरे घर के बाहर दो बोलेरो एक स्कॉर्पियो खड़ी है थाने ले जाने के लिए। भाइयों, आने वाली कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, नहाए हुए व्यक्ति को छूने वाला व्यक्ति भी नहाया हुआ समझा जाएगा। हैप्पी विंटर। भाइयों, तारीफ किए बिना कोई खुश होता नहीं, और झूठ बोले बिना किसी की तारीफ होती नहीं। सही कहा। भैया, बीबियां तो हर किसी की फुलझड़ियां होती हैं, बम तो किसी किसी के नसीब में होता है। अगर औरत सीधी हो तो उसे गाय कहते हैं, और अगर आदमी सीधा हो तो उसे गधा कहते हैं। भेदभाव क्यों भाई? भाइयों, शादीशुदा लाइफ का अपना ही मजा है, खाने को मिले या ना मिले, सुनने को भरपूर मिलता है। भैया, नवंबर का महीना तो इसी परेशानी में गुजर जाता है कि कोई और स्वेटर पहने तो हम भी पहने। हाँ। अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने च मिल जाती है, लेकिन वो कोना नहीं मिलता क्योंकि जमीन गोल आना।